चलिए ठीक है। सो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बारे में हमने बात करी थी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, जो क्ले हो, मड हो, यानी कि फोर्स हटाने के बाद वो अपने नेचुरल शेप में बिल्कुल भी नहीं जाती है, ठीक है ना। इलास्टिक बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर फोर्स लगाएंगे और पर 100% वो उसका इनिशियल शेप ले लेगी, वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है, ये हमें पता है, ठीक है। स्ट्रेस के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यही था ना अपना रिस्टोरिंग फोर्स। यस प्रीति, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यही था हमारा। ऑलराइट, तो देखो हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया था, यस प्रीति, फोर्स अपॉन एरिया यही होता है, ठीक है। तो मैंने जस्ट आपको सिंपल से तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बता दिए थे, है ना। कौन सा, एक बताया था लॉन्गिट्यूडनल, एक बताया था वॉल्यूम, एक बताया था शियर, ठीक है। लेकिन उनमें एक बात और कह सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे लाइन लिख रही है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके बेस पे भी दो टाइप के स्ट्रेस हम कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि परपेंडिकुलर बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उस टाइप के जो स्ट्रेसेस होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाते हैं, ठीक है। किसी बॉडी के ऊपर पैरेलली स्ट्रेस लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है, तो उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। तो एक बार और जल्दी से लिख देते हैं इस चीज को, ठीक है। तो स्ट्रेस बेसिकली उनकी जो ओरिएंटेशन है, किस तरीके से बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, वो होता है हमारा उसमें नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और एक होता है टेंजेंशियल। एक बच्ची मुझे याद भी दिला रही थी, जस्ट मैंने उसको वर्बली बोल दिया था कि नॉर्मल और टेंजेंशियल, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है किसी बॉडी के ऊपर लग रहा होता है उसके अकॉर्डिंग उनको नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस हम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, जो कि हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर भी फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलरली लगता है सरफेस के, ठीक है, और एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस में भी फोर्स लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल को हम शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग श्रुति, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल में वही दो टाइप हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे, क्या था, एक तो था टेंसाइल और एक था कंप्रेसिव, ठीक है बच्चों, ये बातें थी हमारी। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल हमने पढ़ लिया था, टेंसाइल में क्या होता है, बॉडी को खींचते हैं हम, है ना। एक क्विक रिवाइज दे रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से, और कंप्रेसिव के अंदर क्या करते हैं, बॉडी को हम दबाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बॉडी को दबा देते हैं। गुड इवनिंग खुशी, ठीक है बच्चों। तो ऐसा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये बॉडी के क्या लगता है, परपेंडिकुलरली लगता है, ठीक है, हमें पता है ये चीज, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला इसके लिए, इसको सिग्मा एल से हम दिखाते थे, और इसके लिए फॉर्मूला लिखा था हमने, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद आया कुछ, एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर करा था हमने, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, चलो पढ़ो और इसको करने की कोशिश करो। फोर्स अपॉन एरिया हमें याद है फॉर्मूला क्या है ना, क्लियर है बच्चों। स्ट्रेस का फॉर्मूला परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यस ओके। और भी बच्चे हैं बोलो जल्दी से, और भी बच्चे बोलो भाई, चैट बॉक्स में एक्टिव रहो सब सब, हम क्लास लेना है। यस तलत, मंसूर, नीलम, यस 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 यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन वेल डन। चलो क्वेश्चन को करो जल्दी से, 1 मिनट में कर दो इसको। यस प्रियंका, मोनिका, प्रिया, यस बच्चों, राजा, चलिए कर डालिए इसको, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। 2 मीटर लॉन्ग रॉड इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। 1 वायर इज ऑफ स्टील एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनदर वायर इज ब्रास एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ लॉड डब्ल्यू सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एंड स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बोथ दी वायर्स इज सेम, सेम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द वायर्स वी नीड टू फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे रे भैया, स्ट्रेस दोनों वायर्स में देखो बराबर जनरेट हो रहा है, करो फाइंड। किसी का भी कोई भी आंसर आया मुझे बताए, चुपके से बता दीजिए।
जल्दी से बता दीजिए, बोलो बच्चों, चलो चलो सोल्व करो। यस यस यस, प्रीति का आया 0.5, बहुत अच्छे। और भी कोई है? यस, श्रुति के भी आया है। ओके, सुहेल ने भी डी लगाया है, ठीक है। तलत मंसूर के 0.5 है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और सोल्व हो गया हमारे। ठीक है, देखो इसका एरिया A1 ले लेते हैं, इसका एरिया हम A2 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। खुशी के भी 0.5, ठीक है। इसका जो स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा सिग्मा 1 मान लेते हैं, इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा वो सिग्मा 2 हम मान लेते हैं, ठीक है। स्टील एंड ब्रास आपको लिखे हुए दिख ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो देखो किसी भी वायर के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो फोर्स अपॉन एरिया से ही हम लिखते हैं उसको, ठीक है। तो स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बोथ दी वायर्स इज सेम दे दिया हमें, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज गिवन व्हाट, कॉन्स्टेंट इन बोथ दी वायर, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं हम सेम दे दिया, है ना। तो देखो दोनों के लिए सेम दे दिया, तो A1 इसके लिए बोल देते हैं, हमने A1 बोला, तो ये कितनी थी वैल्यू इसकी, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। T1 अपॉन T2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो क्या ये W की पोजीशन पे डिपेंड करेगा क्या, पहले तो ये बताओ मुझे। नहीं करेगा ना, हमें थोड़ी मतलब है W कहीं पर भी हो, हमें तो मतलब इससे है कि T1 और T2 का रेशियो निकालना है। एग्जैक्टली हमें उसकी वैल्यू तक भी नहीं निकालनी है ना, ठीक है बच्चों। ये अपने रोटेशन का भी सवाल है एक तरीके से, रोटेशन में भी उसमें पूछ लेते हैं T1 T2 बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो देखो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 दिया हुआ है, सिग्मा 1 की वैल्यू इसमें स्ट्रेस किसकी वजह से जनरेट हुआ, टेंशन T1 की वजह से, इसका अपॉन एरिया A1। इसमें स्ट्रेस जनरेट हुआ सिग्मा 2 में T2 की वजह से, इसका एरिया अपॉन A2। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू A1, इधर चला जाएगा A1 अपॉन A2, ठीक है बच्चों। तो वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज गोइंग आउट टू बी व्हाट विल हैपन हेयर, 0.1 A1 की एरिया, 0.1 A2 की वैल्यू, 0.2, इनको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 0.5, जो कि हमारा आंसर है। तो T1:T2 या T1/T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर मैच कर रही है, यही हमारा आंसर है। बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अच्छे क्वेश्चन भी हम करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी कवर कर ले हम, ठीक है। ओके बच्चों, चलो बढ़े आगे, कोई डाउट किसी को इसमें? यस नीलम, बहुत अच्छे, है ना। चलो शियर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे हम, शियर स्ट्रेस क्या होता है। यस अजरा सुहेल, चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। चलिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब फोर्स हमारा किसी बॉडी के पैरेलल ही लगे। जैसे मैं एक सिनेरियो दिखाऊं, आपको पहले भी दिखाया था, है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने दिखाया था आपको, कैसा था, ऐसा डायग्राम बनाया था, याद करो, है ना। ऐसे फोर्स लगाया था, वर्टिकल से कुछ एंगल लिया था, है ना, इसको बोला था एफ, ये थीटा एंगल लिया था, तो ये था एफ कोस थीटा और ये था एफ साइन थीटा। अब इस सरफेस के पैरेलल फोर्स कौन सा है, इसको अगर एरिया ए बोले हम, तो इस सरफेस के पैरेलल फोर्स कौन सा है, एफ साइन थीटा है ना, ठीक है। तो ये कब पिक्चर में आता है, जब पैरेलल फोर्स लगता है किसी सरफेस के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया पे पैरेलली फोर्स लगता है, ठीक है। इसको टेंजेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और सिग्मा एस से दिखा देते हैं इसको, ठीक है। तो बताओ इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर हम लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा एस इस कंडीशन में पैरेलल फोर्स कौन है, एफ साइन थीटा, कौन सी सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर वाली जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ डिवाइड बाय ए, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला इसका लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसी कहानी होती है इसमें, देखो किसी बुक को लोगे आप और ऊपर वाले पेज पे फोर्स लगाओगे तो वो आगे खिसकेगी, ठीक है। जैसे मेरी बुक कहाँ गई, ये रही, आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है ऐसा, ठीक है। बुक दिख रही है, ये वाला फेस देखना, इसका फोर्स लगाया आगे बढ़ गया टेढ़ा हो गया, यही कहानी, ये की यही कहानी
इसके अंदर डायग्राम में हो रही है, और शेयरिंग स्ट्रेस यही एंगुलरली चेंज करता है, किसी बॉडी का शेप चेंज कर देता है. शेप कैन चेंज इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है. एंड वॉल्यूम जो होता है हमारा वो जनरली क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. ठीक है बच्चों, ऐसी बात है इसके साथ. तो इसको हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला था, और अगर इनिशियल पोजीशन बॉडी की यहाँ थी तो फाइनली ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मान लेते कुछ फाइव एंगल से आगे बढ़ गया होगा. यानी कि बॉडी का देखो जितना पॉइंट ये यहां से गया उतना ही ये यहां से चल गया आगे, तो बॉडी का जो शेप है वो हल्का सा चेंज हुआ है. और इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का जो वॉल्यूम है ना वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा. ठीक है बच्चों, तो बॉडी का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है इसके अंदर. और इसमें थोड़ा सा एंगुलरली ट्विस्ट आया है कि बॉडी में थोड़ा सा ऐठन आ गई या कड़ापन आ गया या कुछ इस तरीके से, है ना. तो सिग्मा एस कैन बी रिटन एज एफ टेंजेंशियल या पैरेलल फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये फोर्स लग रहा है. ऐसा मत करना कि ये वाला एरिया ले लो, फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा, यहाँ पे लग रहा है. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो बताओ मुझे, यस यस, ठीक है. तो शियर स्ट्रेस क्या करता है, डिफॉर्मेशन देता है, इलोंगेशन देता है, कॉन्ट्रेक्शन या डिस्टोर्शन, डिस्टोर्टेड हो जाती है बॉडी या फिर डिफॉर्मेशन आता है उसमें, बताओ क्या आंसर होगा इसका, बोलो बालकों. ओके, डिफॉर्मेशन बोल रहे हैं सोहेल एंड प्रीति, ठीक है. चलिए चलिए जल्दी 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 बोलिए, और भी बच्चे हैं, सब आंसर दीजिए अपनी दिमाग से, जल्दी से बोल के, ठीक है. ए ए आ रहा है तलत का, श्रुति का, सब बोल रहे हैं ए. तो बच्चों क्या मैंने बोला था कि ये फाई क्या है, स्मॉल है ना, फाई क्या है, स्मॉल है. यस नीलम, डिस्टोर्शन आएगा इसके अंदर, मेन आंसर इसका क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा. देखो इलोंगेशन हमें नहीं दिख रहा, साइज नहीं बढ़ रही है, दब नहीं रहा है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा, तो डिस्टोर्शन. देखो ट्विस्ट आ गया बॉडी के अंदर, पहले बॉडी क्या थी, ऐसे रखी हुई थी, फोर्स लगाया तो ऐसी हो गई टेढ़ी, ऐसी 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 ऐसी, ठीक है, ऐसी हो गई, ठीक है. तो डिस्टोर्शन आया है बॉडी के अंदर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टोर्शन. तो बता, अब आप बच्चों देखो, आप लोग गलत नहीं हो कि इसमें डिफॉर्मेशन भी है, ऑब्वियसली बात है, शेप चेंज हुआ है, हल्का सा ही हुआ है लेकिन डिफॉर्मेशन है. लेकिन हम जो फाई एंगल को है ना वो छोटा सा मानते हैं ना, इस वजह से डिफॉर्मेशन इसमें काउंट नहीं करते, इसीलिए जो हमारा वॉल्यूम है ना वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है. लेकिन जब बड़ा या फिर मल्टीपल चॉइस के अंदर आए ना ये सवाल आपके, सॉरी मल्टीपल करेक्ट के अंदर आए, तब आप डिफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, ठीक है. तो डिफॉर्मेशन कब लगाओगे, मल्टीपल करेक्ट के अंदर, ठीक है. लेकिन सिंगुलरली अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा ओनली डिस्टोर्शन देगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन नहीं देगा. क्लियर है, चलें आगे बढ़े भाई, खड़े मत हो जाना अपनी सीट पे और आगे बढ़ने लग जाओ, ऐसे करो, देखा ऐसे मत करना कि चलो आगे आगे बढ़ने हम तो, ठीक है, सिलेबस में आगे बढ़ते हैं. चलिए, ठीक है, वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल लेते हैं कभी कभी, इसको सिग्मा वी से डिनोट करते हैं, ठीक है. ठीक है बच्चों, तो देखो एक पानी की टंकी लेते हैं हम इस तरीके से, और इसमें डुबा दिया हमने हमारा बलून, ठीक है, बलून से समझना आसान है, बॉल भी डुबाते हैं कुछ टीचर, हम भी डुबा देंगे आप कहोगे तो. ये पानी के अंदर है तो क्या इसके ऊपर हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होगा, ऐसा इसके सरफेस के परपेंडिकुलरली लग रहा है,
ठीक है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, वॉल्यूम पे लग रहा है या सरफेस पे लग रहा है? यस यस, प्रेशर, सही बात है। ठीक है, सरफेस पे लग रहा है या वॉल्यूम पे लग रहा है फोर्स, बताइए। यस, सरफेस पे लग रहा है, इसलिए जो इसका फॉर्मूला होगा ना वो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, फोर्स अपॉन वॉल्यूम नहीं होगा। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो पूरा अंदर वाला भी है ना, उसमें तो वो भी काउंट आ रहा है, लेकिन पानी तो उसके टच में जा ही नहीं रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बॉडी जब इसे बलून को अंदर रखा हमने, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर लग रहा है, तो उसका छोटा सा हल्का सा वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जैसे हम बाहर निकालेंगे उसके नेचुरल शेप में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बलून लिया हमने और इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाया, ठीक है, बाहर से हमने फोर्स लगाया ऐसे ऐसे ऐसे, एफ परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, सरफेस का एक एक पॉइंट के ऊपर देखोगे तो ये परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया है ये फोर्स, जो कि प्रेशर होता है, और प्रेशर की डेफिनेशन ही होती है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगता फोर्स। ठीक है बच्चों, जी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बढ़िया सा प्रेशर। ठीक है, तो साइज में क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन आ गया, ठीक है, वॉल्यूम कम हुआ, जैसे ही बलून को देखो हमने अंदर रखा था, बलून सुकड़ गया, कॉन्ट्रेक्शन आ गया, जैसे बाहर निकाला बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो बलून है ना उसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहे थे, जैसे हमने वो पढ़ा था ना स्प्रिंग बॉल मॉडल में, हर एक के अंदर बात करी थी कि अब बॉडी अंदर से है ना उसके शेप के चेंज को होने को रोकती है, तो उन्हीं रिस्टोरिंग फोर्स ने यहाँ पे भी वही आएगा, जो अंदर का फोर्स है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है, यहाँ पर प्रेशर जो है ना, जो फिर पानी का परपेंडिकुलर फोर्स है वो अंदर के रिस्टोरिंग फोर्स के क्या है, इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा वी परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी, और फोर्स के अनुसार इसके अंदर फोर्स क्या कर रहा है, फॉर्मूला अगर बोले हम इसका तो क्या होता है, फोर्स, फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, बॉडी का वॉल्यूम आप चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, उसको अपोज कर रहा है वाला फोर्स अपॉन एरिया या फिर पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, पानी के अंदर बात करेगा, लड्डू होगा ना लड्डू, उसको भी दबाओगे ना आप ऐसे करके दबाओगे, चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो, उस केस के अंदर भी यही कंडीशन होगी, क्योंकि वॉल्यूम अपन ने क्या किया है, कम किया है, वॉल्यूम के सरफेस एरिया के किसी गोल चीज के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एक क्यूब भी ले सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि बॉल ही लो। ठीक है बच्चों, एक क्यूब भी ले सकते हैं या फिर क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, है ना, सबके ऊपर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है, चले आगे, चलो ठीक है, स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेन क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेन। अब तक हम बॉडीज के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे थे, तो हम कहते थे कि भाई कोई चीज लंबी हो जाएगी, कोई छोटी हो जाएगी, किसी में डिफॉर्मेशन आ जाएगा, किसी में क्या होगा, किसी में क्या नहीं होगा, है ना, ऐसी बातें कर रहे थे हम। ठीक है, तो वही स्ट्रेन है भैया, हमने किसी के थोपड़ा बिगाड़ दिया मार मार के, उसके ऊपर स्ट्रेस लगा लगा के उसको खींच खींच के उसकी दशा बिगाड़ दी, तो उसी को बोलते हैं हम स्ट्रेन। हमने कितना बुरी हालत करी है किसी की, है ना, उसका मेजरमेंट होता है स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, किसी की, यस, चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, यस ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी को मार मार के हमने उसकी कितनी बुरी हालत करी है, उसका मेजरमेंट है हमारी क्या, स्ट्रेन। ठीक है ना, क्लियर है, यस, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर। ठीक है, सो स्ट्रेन भी तीन टाइप की होती है, आगे बात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, स्ट्रेन एप्सिलॉन से लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू चेंज इन कॉन्फिगरेशन या फिर डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन या कॉन्फिगरेशन। ठीक है, यही होती है स्ट्रेन, मेजरमेंट ऑफ तोड़फोड़। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
ठीक है, थ्री टाइप के स्ट्रेस के बेस के ऊपर ये भी थ्री टाइप की होती है स्ट्रेन, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस लगाया आपने वैसे वैसे स्ट्रेन भी आई उसी तरीके की, इसको एप्सिलॉन एल से दिखाते हैं, ठीक है। ये कब आएगा, जब फोर्स हम परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन लगाएंगे, ठीक है। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर, यस यस श्रुति, ठीक है, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेंथ क्या होती है, बदलती है हमारी। जैसे इस ऐसा ले हम कुछ सिनारियो, यहाँ पे रोड हमने लगा दी, यस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सही बात है तुषम, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स लगाया तो मान लेते कुछ डेल्टा एल से इसकी लेंथ बढ़ गई, इनिशियल लेंथ इसकी थी एल, ठीक है, फोर्स एफ लगा रहे थे इसके ऊपर, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें लिखने की यहाँ पे, तो एप्सिलॉन एल डेल्टा एल अपॉन एल, यही होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसको इसकी यूनिट किस किस को याद है मुझे बताओ जल्दी से, क्या क्या यूनिट, क्या यूनिट होगी इसकी जल्दी से बता दो। यस प्रीति, डेल्टा एल अपॉन एल, ओके, जीरो, अच्छा जीरो यूनिट भी आने लग गई है आजकल, ठीक है बच्चों। तो इसको ही बोलते हैं हम यूनिटलेस, प्रीति भी यही बोल रही होगी, ठीक है। सो दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नो यूनिट, यस बच्चा, ठीक है। सो देर इज नो यूनिट, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, चलिए कैसे सोल्व करोगे इसको, ऑर्डर बताना है मुझे किस में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगी, ठीक है। तो टेबल गिव्स द इनिशियल लेंथ ऑफ द थ्री रोड्स एंड द चेंजेस इन देयर लेंथ व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड टू देयर एंड्स टू पुट देम अंडर स्ट्रेन, रैंक द रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेन ग्रेटेस्ट फर्स्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में होगी, उसके बाद किस में होगी, उसके बाद किस में होगी, बताइए। यस जल्दी से बता दीजिए, श्रुति, खुशी है, तुषाम, प्रीति, बोलो बालकों एंड बालिकाओं किस तरीके से सोल्व हो गए। नीलम सिंह, सुहेल, बोलो बच्चों, ओके, श्रुति का वन, के और क्या हो सकता है इसका, सोचिए जरा, समझिए जरा, कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा। यस सबसे ज्यादा वन एंड टू की होगी, प्रीति ने बताया, बहुत अच्छे, ओके, नीलम ने भी वन टू, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है, तो वेल डन। चलिए तो देखो स्ट्रेन को लिख लेते हैं हम, डेल्टा एल नॉट अपॉन एल नॉट, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में एल एप्सिलॉन बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ बोल दो उसको, कुछ भी बोलो, डेल्टा एल नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ एल नॉट, तो ये वैल्यू क्या है, डेल्टा एल नॉट अपॉन एल नॉट, इसको एप्सिलॉन मान लिया हमने यहाँ पर, तो 1/2 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 टाइम ऑफ एप्सिलॉन। सिमिलरली इसके अंदर बात करेंगे हम, यस यस 3 की 0.4 है, यस यस सबसे लेस है, यस कुमकुम बिल्कुल अच्छे से आपने इसका सोल्व किया, ठीक है। 2 टाइम डेल्टा एल नॉट अपॉन 4 एल नॉट, इसको भी सोल्व करेंगे तो 0.5 टाइम ऑफ एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बात करें, 4 डेल्टा एल नॉट डिवाइड बाय 10 एल नॉट। अच्छा एक बात बताओ यार मुझे, क्वेश्चंस का लेवल तो बहुत स्मूथ है ना, ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपन, सबको समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे अब, है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी इजी चल रहा है अपन के, ये अपन की सेकेंड ही क्लास है, तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन कराए जाएंगे, है ना, तो ऐसे परेशान मत होना, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा आपकी अगली क्लास से, थोड़ा सा अपना ये यंग सॉरी स्ट्रेस 10 करो तक हो जाए, फिर ये मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलाई वगैरह पढ़ेंगे हम आगे से, तो उसके अंदर परेशान मत होना, ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ये मतलब ये तो रद्दी है यार, क्या है इसके अंदर, आप लोग यूं ही करके फेंक दोगे इसको, ठीक है। तो 0.4 एप्सिलॉन, ठीक है। सो सबसे बढ़िया बात है, स्ट्रेन आ गई हमारे पास रोड ऑफ ए और रोड ऑफ बी की बराबर है, और सबसे कम है हमारी रोड सी की,
है चलो ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, किसकी वजह से आ सकती है शियर स्ट्रेस की, जब हमारा जो फोर्स होगा पैरेलल टू द सरफेस होगा तो शियरिंग स्ट्रेन आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है ना। इसको फाई से डिनोट करते हैं, या एंगुलरली डिस्टोर्शन आता है बॉडी के अंदर, इसलिए एंगुलर जिसमें का डिफॉर्मेशन होता है, एंगुलरली डिस्टोर्शन आता है, वो शियरिंग स्ट्रेन होती है। ठीक है, थोड़ी सी खास है ये और चीजों से और स्ट्रेन से। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, तो ये होती है हमारी शेयरिंग स्ट्रेन। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और जैसे बुक को हमने आगे बढ़ाया था, जेली भी लोगे ना, पनीर भी लोगे, पनीर पनीर पसंद है क्या किसी को? पनीर लाना दुकान पे से, थोड़ा सा बड़ा कटा हुआ, लेकिन उसके पैसे कौन देगा, महंगा आता है पनीर भी आजकल तो। यस, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, सही बात है शाम। ठीक है, तो बुक ही ले लेना आप तो। ठीक है, फाई देखो, अब याला पॉइंट, और याला यहाँ पर पहुंच चुका है, जब हमने इसके ऊपर ऊपर से फोर्स लगाया था ना एफ, तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया। तो अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं हम, और लोअर फेस और अपर फेस की जो डिस्टेंस है उसको एल ले लेते हैं हम। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा जिसका एंगल फाई दिया हुआ है हमें, तो टेन फाई कैसे लिखेंगे, टेन फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, भैंस नहीं बेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेन फाई एक्स अपॉन एल। लेकिन भैया जो ये मैंने शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये फाई होता है ना बहुत छोटा होता है, फाई इज स्मॉल स्मॉल। ठीक है, तो टेन फाई ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा फाई के एक्स अपॉन एल, यही होती है हमारी शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है ना, तो शेयरिंग स्ट्रेन का ये फॉर्मूला एक्स बाय एल आ चुका है हमारे। कभी कभी कंफ्यूजन होगा तो मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूँ कि क्या होता है, क्या बला है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस क्या है, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस कितना डिस्प्लेसमेंट सर हमें क्या पता। ठीक है, तो रिलेटिव टू द लोअर फेस, रिलेटिव टू द लोअर फेस, लोअर फेस के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा एक्स हो गया। और एल क्या है, यस एल हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फेस। ठीक है, ये क्या है हमारा, इस तरीके से दिया हुआ है, ये क्या है, एंगल था फाई, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो कभी भूल जाओ तो पब को याद कर लेना, पब। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा हमारे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? लेकिन ऐसी चीजों का, जगहों का नाम हमें लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर दो, सिंपल सा है, और सिंपल सा क्वेश्चन देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हमें रुलाती है कि भाई साहब हमें एमबीबीएस मिल जाता लेकिन डेंटिस्ट्री से काम चलाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ गया, गलत आंसर मार्क कर दिए, सिली मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन की। और एमबीबीएस वालों को सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको ये फिजिक्स ही रोकती है, तो फिजिक्स में कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है हमें। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो एक क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड्स 0.1 मीटर इज सब्जेक्ट टू अ शेयरिंग फोर्स 100 न्यूटन, द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस 0.02 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस, द शेयरिंग स्ट्रेन वुड बी, व्हाट वुड बी द शेयरिंग स्ट्रेन इन दैट क्यूब After the displacement of the upper face by 0.02 सेंटीमीटर। यस श्रुति, मे बी डी, यस बच्चा इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, और भी बच्चे बताओ, बोलिए बोलिए किस तरीके से बोला जाएगा,
ओ बालको एंड बालिकाओ। ठीक है, सो अपर फेस का देखो फाई हमें फाइंड आउट करना है। अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर पॉइंट क्या दिया है, द टॉप फेस ऑफ द क्यूब 3.02 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यस एहतिशाम डी। ठीक है श्रुति, डी सही है आप लोगों का। और भी बच्चे हैं, करा क्या सोल्व, चमका क्या? अरे भाई देखो तो सही, बताओ तो सही। 100 न्यूटन का कोई मतलब नहीं है, मैं शेयरिंग फोर्स आ गया, बस इसका मतलब है शेयरिंग स्ट्रेन निकालनी है। शेयर स्ट्रेन पूछी भी है। ओके सोहेल, ठीक है, ये एल कितनी दी हुई है, देखो क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब की हर एक साइड बराबर होती है, बचपन से पाषाण काल से हम जानते हुए आ रहे हैं इसको। यस यस डी 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 आ चुका है सबका, रोहित का, सलमा का, खुशबू का, श्रुति का। यस सर यू आर राइट श्रुति। ठीक है, आपको दिए जाते हैं पूरे 4 मार्क्स इसके लिए, आपने सबसे पहले बताया। ठीक है, सो एल दी हुई है हमें 0.1 मीटर। ठीक है, सो एक्स विल बी सॉरी फाई विल बी इक्वल टू एक्स बाय एल, हमें निकालना है फाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 0.02 लिख देंगे और एल की वैल्यू 0.1 लिख देंगे, है ना। तो ये नहीं करना है भैया, क्या है ना, नहीं करना ना ये, नहीं बेटा सी नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें डायमेंशन भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। तो 0.1 मीटर में दिया हुआ है, तो सॉरी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो। एल 0.1 मीटर दिया हुआ है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो 0.0002 आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर है, 1/2 मत कर देना यार, ठीक है ना, तो फिर 0.05 आ ही जाएगा, ऐसे नहीं करते। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगी, वही हम बात कर रहे थे बलून को छोटा करने की। अगर लड्डू लो, लड्डू का दबाव बढ़िया चारों तरफ से, ठीक है, लड्डू दबाए जा रहे हैं तो लड्डू बनाए जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कम हुआ, उसने क्या बताया कि वॉल्यूम में स्ट्रेन आ गई। ठीक है, बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं हम, तो क्या होता है, वेन प्रेशर अप्लाइड ऑन बॉडी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, बदल जाता है, नहीं बदलता है क्या, जरूरी नहीं है बदले ही सही, लेकिन हम मान रहे हैं कि बदल गया तभी तो स्ट्रेन पढ़ पाएंगे, एप्सिलॉन वी से इसको दिखाते हैं। ठीक है, अगर जीरो चेंज इन वॉल्यूम होगा तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगी, ठीक है नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन एप्सिलॉन वी डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, इसे वॉल्यूम में मान लेते हैं डेल्टा वी चेंज आया और इसका इनिशियल वॉल्यूम वी था, तो चेंज इन वॉल्यूम, जो कि एक बच्चा बोल भी रहा था, डायरेक्टली चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गई कहानी वॉल्यूम स्ट्रेन की। चलो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी, तो एक और क्वेश्चन करके बता दो मुझे, ये थोड़ा सा अच्छा है, सोचने वाली चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो एक स्प्रिंग इज स्ट्रेन बाय अप्लाइंग अ लोड टू इट्स फ्री एंड। ठीक है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, वी नीड टू फाइंड व्हाट विल बी द स्ट्रेन, विच टाइप ऑफ स्ट्रेन विल बी जनरेटेड इन द स्प्रिंग, लेट मी नो व्हाट यू व्हाट विल हैपन हियर। बोलिए क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, बताइए हमें। हाँ जी, व्हाट विल द आंसर, सुहेल, नीलम, सलमा। देखो एक स्प्रिंग है, मान लेते नेचुरल लेंथ में ऐसे, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो एलोंगेशन आएगा इस तरीके से, कुछ फोर्स लगाया तो इलोंगेशन ऑब्वियसली आएगा, आता ही है हमेशा। ठीक है, स्प्रिंग लंबी हो जाती है भैया, वॉल्यूमेट्रिक भी बोल रहे हैं कुछ 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 बोल रहे हैं सी, कुछ बोल रहे हैं डी। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का देखो सी है, कुछ डी भी बोल रहे हैं, तो डी तो ऑब्वियसली है ही सही,
ठीक है, लेकिन सिंगल करेक्ट है तो एक ही आंसर लगाना पड़ेगा हमें। तो देखो, लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लेंथ में चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि स्प्रिंग की लेंथ तो बढ़ गई। बड़ी नहीं बड़ी, लेंथ बड़ी है। इसका मतलब इसमें क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो थी, और शियर स्ट्रेन में क्या होता है, एंगल है ना। यस कुमकुम, ठीक है बच्चों। तो देखो स्प्रिंग ऐसे है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ में तो यहाँ पर कुछ एंगल थीटा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो ये एंगल का थीटा डैश हो गया होगा क्या, ठीक है। स्प्रिंग ऐसे थी और ऐसे हो गई, तो थीटा बदल गया, थीटा जहां पे भी आ जाता है वहां पे शियर आ जाती है कि नहीं, आती नहीं आती। तो यही है भाई साहब, लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेंथ दोनों है इसके अंदर, इसमें डिस्टोर्शन भी आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज हुक्स लॉ। यस सर, जिस लॉ को हम टांग देते हैं हुक के ऊपर, वही हुक्स लॉ होता है ना। तो भाई हुक साइंटिस्ट हमें लटका देंगे हुक के ऊपर अगर हमने ऐसा बोला तो। व्हाट इज हुक्स लॉ, हुक्स ने जब एक्सपेरिमेंट करा इनके साथ, खेला स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ में, तो उन्होंने एक रिलेशन बताया कि भैया जो चीजें होती है उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के, विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन हर एक चीज के लिए ये लॉ लागू हो रहा हो, हर एक टाइप के मटेरियल के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो व्हाट विल हैपन हियर, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्ट्रेन के, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस को हटाया, ठीक है, जो छोटी, हाँ सही बात है, स्मॉलेस्ट डिफॉर्मेशन हो छोटी छोटी, लेकिन उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, विद इन इलास्टिक लिमिट, यही इसका एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, और स्ट्रेन मल्टीप्लाइड हो जाएगी इससे, ठीक है। के की वैल्यू अगर निकाले हम तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नीचे चली जाएगी। इसको हम एक प्यार से नाम देते हैं, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या कहलाता है ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन में अगर हम ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सिंपल सा यूं करके जाने, तो थोड़ा सा मुड़ गया है वो, सीधा 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 ले जाओ, ये होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंदर, ठीक है। एंगल थीटा बोलते हैं यहाँ पर। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों, वो 10 थीटा से हम निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा हमें, मॉडुलस ऑफ, इसके 3 ग्राफ नहीं, तो यार मुझे तो पता नहीं है ऐसा कि 3 ग्राफ होते हैं इसके अंदर, या अगर मेरा किसी पुराना लेक्चर लिया हो तो ऐसा पढ़ा होगा इसमें ये, अरे क्या हो रहा है इसको, ठीक है। तो ये एक ही ग्राफ होता है इसका, हुक्स लॉ का, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी को बताता है, ठीक है। और लीनियर होना चाहिए ग्राफ, ठीक है, तभी हुक्स लॉ फॉलो होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जहां पर भी लीनियर ग्राफ होगा वहां पे हो जाता है हमारा हुक्स लॉ फॉलो, ठीक है। तो ये क्या बताएगा स्लोप हमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बताएगा, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्लोप से पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है। जिस मटेरियल का स्लोप ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या हुआ, किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी का मेजरमेंट, ठीक है ना, वो हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। कहीं कहीं बुक में इसको कैपिटल ई से भी दिखा रखा है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में कैसे है तो हम कैसे ही चलेंगे, ठीक है। चलो,
मुझे बताओ कौन कौन बताएगा, सब बताएंगे। मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑन विच क्वांटिटी द मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी इज डिपेंडिंग? ओके, स्लोप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई बताएगा मुझे क्या किसी चीज पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? एनीबडी? यस ब्रदर एंड सिस्टर, बोलिए, कोई तो बोलिए। ओके, प्रीति ने बोला स्ट्रेस स्ट्रेन, क्या ये बात सही हो सकती है क्या बताइए? सो के डिपेंड्स ऑन, अप ऑन के किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है? ये क्या है बच्चा, थीट क्या होता? ठीक है, सो देखो, किसी भी बॉडी को या मटेरियल को बनाने के लिए क्या हमें स्ट्रेस स्ट्रेन की जरूरत पड़ती है? जैसे मैं आपको एक लोहे का तार दूं और उसी लेंथ का एक रबर दे दूं, दोनों पे बराबर फोर्स लगाओगे तो कौन ज्यादा खींचेगा? रबर ऑब्वियसली ज्यादा खींचेगा ना, तो ठीक है, तो जो ज्यादा खींच जाता है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है और जो कम खींचता है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। इस चीज में ज्यादा नहीं जाते हम, ठीक है बच्चों? तो ये टोटली बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, कोई बॉडी कितना खींच पा रही है और कितना नहीं खींच पा रही है ये बॉडी की क्या है प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? तो दिस इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। के को हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से, ठीक है ना? के को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से, लेकिन किसी मटेरियल को बनाने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। पड़ती है क्या है भाई कि आप अपन को स्टील बनाना है या फिर ब्रास बनाना है, चलो ब्रास को अपन बनाते हैं, स्टील विस्टील तो ये सारी चीजें थोड़ा सा डायरेक्टली मिल जाती है हमें, लोहा वगैरह, तो ठीक है ना? तो ब्रास को हम बनाया, दो मटेरियल को मिलाया, तो उसमें यूं थोड़ी कि हमने 15 ग्राम स्ट्रेस डाला और 90 ग्राम स्ट्रेन डाला, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल अप टू विच, और जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है हमारा कौन, के, ठीक है? सो सेकंड चीज हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, किसी बॉडी में इम्प्योरिटीज जो मिला दोगे आप तो उसकी ताकत कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है? थर्ड अगर हम बोले तो टेम्परेचर, ये भाई साहब क्या करते हैं, आपने डामर रोड देखी होगी, गर्मियों के अंदर वो कभी कभी पिघलने लगती है, तो वो टेम्परेचर उनका किसी भी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज को ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है? क्लियर है बात? चलो, तो इतनी कहानी थी हुक्स लॉ के बारे में, ठीक है? एक और बात मैं बताऊं आपको, जो हमारा अगर किसी बॉडी की के ज्यादा है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, और के हमारे स्लोप के साथ बढ़ता है, स्लोप जितना ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का उतना ही हमारा के क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है? इसकी यूनिट क्या हो सकती है, के की, मॉड्यूलस इलास्टिसिटी की, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो स्ट्रेस की यूनिट ही के की यूनिट होगी, ठीक है? क्लियर है बच्चों? यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, कुमकुम, सुहेल, प्रीति, बहुत अच्छे है, ठीक है ना? यस नीलम, सलमा, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है? सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम, यानी कि थोड़ी क्यों लेंगे, पूरी लेंगे, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो देखो बच्चों, ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर है, किसी एक वायर को के ऊपर इस तरीके से लटका दिया गया और उसको टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस उसको दिया गया, उसके लिए ये कर्व मिला है हमें। और इसी तरीके का कर्व जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस देंगे या फिर शियर स्ट्रेस देंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो इसी तरीके का कर्व हमें मिल सकता है, ठीक है? कैसे कि बनाया गया था, किसी को एक वायर को जो टांग दिया, लटका दिया और कोई मास उसके ऊपर चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके का हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें मिलेगा, ठीक है? जैसे जैसे हम स्ट्रेस को चेंज करेंगे
बॉडी में किस तरीके से स्ट्रेन आ रही है, तो ये प्रैक्टिकल है बच्चों, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये ग्राफ मिला है हमें, यूं नहीं है कि हवा में बना दिया है ना, तो प्रैक्टिकल है। तो बताओ मुझे ओ से ए में ग्राफ कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है या फिर कर्व है? तो जहां पर भी लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट स्टेन के बीच में कर्व की, वो क्या होता है वहां पर, को क्या फॉलो होगा, हुक्स लॉ फॉलो होगा, ठीक है। तो ओ टू है, हुक्स लॉ, ओबे, ठीक है। ग्राफ क्या है, लीनियर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बॉडी क्या है, परफेक्टली क्या है, मतलब एक प्रोपोर्शन में है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। हुक्स लॉ में यही तो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे के, यानी कि स्ट्रेस को मैं एक से बढ़ाऊं तो स्ट्रेन भी या तो एक से बढ़ जाएगी, दो से बढ़ जाएगी, ये परफेक्ट रिलेशन से बढ़ेगी, ठीक है ना, एक ही परफेक्ट रेशियो में बढ़ेगी। स्ट्रेस को दो से बढ़ाया तो स्ट्रेन चार हो गई या तीन हो गई, फिर इस तरीके से एक परफेक्ट रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनलिटी यही तो होती है हमारी। लेकिन ऐसे भी में देखो एक कर्व मिल रहा है हमें, यानी कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ठीक है। तो ए टू बी की अगर हम बात करें, ठीक है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन बी तक जब हम बात करते हैं ना, तो ए को बोल देते हैं हम, कौन सी लिमिट, देखो प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन हो रही है ना, अगर हुक्स लॉ मेंटेन हो रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसी लिमिट तक क्या होगी हमारी प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन एक प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और बी क्या होती है हमारी, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या थी बच्चों, बताओ मुझे, और इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या थी इलास्टिक लिमिट, वो थी ना कि किसी बॉडी के ऊपर हमने स्ट्रेस लगाया, फोर्स लगाया, उसमें इलोंगेशन आया, ठीक है, तो फिर वो उसके नेचुरल शेप में जा सकती है। लेकिन उस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया किसी बॉडी के ऊपर, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाएगा, स्ट्रेन रह जाएगी, है ना, वही एक मैक्सिमम फोर्स जिसके बाद अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन रह जाती है, वही क्या होती है हमारी इलास्टिक लिमिट, पहले ही लेक्चर में बताया था, ठीक है ना। सो देखो यहां तक बी तक अगर हम बात करें तो ये कहलाता है हमारा क्या, इलास्टिक रीजन, यानी कि बॉडी के ऊपर से फोर्स हटा देंगे ना तो वो उसके नेचुरल शेप में चली जाएगी, ठीक है ना। बहुत ऊपर आने के बाद, स्ट्रेस को इतना इतना बढ़ाने के बाद, जब तक स्ट्रेन इतनी आती है बॉडी, ठीक है, यस यस, मैक्सिमम फोर्स ऑन ए बॉडी टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टी, यस यस, ठीक है, सही बात है। तो ठीक है, ये बी की बात हो गई। अब देखो डी सबसे ऊंचा है, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, बी के जस्ट बाद, यानी के इलास्टिक लिमिट के बाद, अगर बॉडी के ऊपर कोई सा भी बी से डी के बीच में या ई तक कोई भी एक फोर्स में लगा दूं, तो बॉडी के ऊपर से वो स्ट्रेस या फोर्स हटाने के बाद बॉडी का उसके नेचुरल शेप में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? बी के बाद मैंने बॉडी के ऊपर कोई सा स्ट्रेस लगाया तो वो नेचुरल शेप में नहीं आएगी ना, उसमें परमानेंटली कुछ ना कुछ रह जाएगा स्ट्रेन, यस, नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यही होती है हमारा, कौन सा रीजन कहलाता है, प्लास्टिक रीजन, यानी कि बॉडी में प्लास्टिसिटी रह गई कुछ ना कुछ, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये सी कोई भी कहीं पे भी ले सकता हूँ इस सी पॉइंट को मैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक मैंने बनाया स्ट्रेन, ठीक है, तो इसको परमानेंट सेट भी बोलते हैं। परमानेंट सेट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के बाद किसी बॉडी के ऊपर एक परफेक्टली हमने कुछ भी स्ट्रेस लगाया, फिर उस स्ट्रेस को हमने हटा भी दिया, तब भी बॉडी में कुछ ना कुछ क्या रह गई, स्ट्रेन रह गई, उसी स्ट्रेन को बोलते हैं परमानेंट सेट, ठीक है, क्लियर है। और डी जो पॉइंट होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, सबसे ऊपर ब्रेकिंग स्ट्रेस, और इसको हम बोलते हैं एक और चीज, अल्टीमेट
स्टाइल मारने के लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रेस ही है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वह मैक्सिमम स्ट्रेस जो किसी भी बॉडी को ब्रेक करने के लिए जरूरी होता है, वही यूटीएस होता है या ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टाइल मान लेकिन इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है ना, वो स्ट्रेस ही होता है बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है इससे। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना स्ट्रेस तो हमें किसी भी बॉडी को तोड़ने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी हमारी थोड़ा सा कम, देखो यहां से स्ट्रेस ऊपर था कम करा, तब भी बॉडी क्या हो रही है, टूट रही है, ये कहलाता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, क्या कहलाया हमारा ये फ्रैक्चर पॉइंट, हड्डियां टूट गई। ठीक है बच्चों, फ्रैक्चर हो गया, क्लियर है? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस और ये चीजें, तो इस तरीके की कहानी होती है किसी बॉडी के ऊपर ब्रेकिंग स्ट्रेस, जैसे यस ब्रोकन पॉइंट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा था मैं, जैसे कि आप कोई चीज टूटी हो आपसे, प्लास्टिक की हो या कांच की हो, टूट गई आपसे, अब आपने उसको घर की एक शेल के अंदर रख दिया, अलमारी में रख दिया, फिर कोई आता है बेचारा, वो उठाता है उसके ऊपर नाम लग जाता है कि तूने तोड़ा है, आपने तो ज्यादा फोर्स लगा के उसको तोड़ दिया था, है ना, फिर कोई आया उसको, उसने उठाया, वो वहीं की वहीं हाथ में रह गई। तो बेसिकली जो उसने उठाया तो उसने थोड़ा बहुत फोर्स या स्ट्रेस तो लगाया ना बॉडी पे, तो वो स्ट्रेस कम लगाया तब भी बॉडी क्या हो रही है, टूट रही है, तब भी उसमें स्ट्रेन आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसी ही कहानी है। ठीक है, तो ऐसी बात होती है स्ट्रेस स्ट्रेन करके, और ब्रेकिंग स्ट्रेस को थोड़ा सा डिफाइन करके लिख देते हैं, व्हाट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम या फिर मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड, द मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज 20 नंबर को, हाँ टेस्ट 20 नंबर को आपका शिफ्ट हो गया है यार, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम चलते रहेंगे ऐसे ही, पढ़ते रहेंगे टू कॉज द एक्चुअल फ्रैक्चर ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम स्ट्रेस हमें रिक्वायर्ड होता है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाता है। एक टर्म और होती है, क्या होती है, इलास्टिक लिमिट हमें पता ही है, यील्ड पॉइंट हमें पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ये क्या होता है, ये क्या बला है, तो ये वो बला है, इसमें कोई भी जला है तो चलो देखो, देखो किसी स्प्रिंग को आप खींचते हो ना, तो फिर छोड़ोगे तो एकदम क्या वो अपने नेचुरल शेप में चली जाती है क्या, है ना, एकदम नहीं जाती ना, थोड़ा सा टाइम लेती है, तो उसी टाइम डिले को जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाने के बाद वो अपने नेचुरल शेप को रिगेन करने की कोशिश करती है, उसी टाइम डिले को हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो टाइम डिले, ठीक है, इन विच ए बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर, ठीक है, रिमूविंग स्ट्रेस। ठीक है, यही होती है हमारी इलास्टोमर्स बेटा, जिनको जो हमारे एकदम परफेक्टली उसको हुक्स लो को फॉलो नहीं करते, इलास्टोमर्स जैसे आपका जो वो रबर वगैरह होता है ना, वो खींचते ही चले जाते हैं, उसमें डायरेक्टली हमेशा प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है। ठीक है, इलास्टोमर्स या एरोटा वो जो आपका दे रखा है, तो ये परफेक्टली हुक्स लो को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर इलास्टोमर के लिए जो आपके सिलेबस में एओर्टा वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि हमारे दिल के अंदर जो पाई जाती है ना, उसके अंदर टिश्यू वगैरह, उसका अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर बनाते हैं हम, तो वो ऐसा आता है जो कि बिल्कुल उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ को परफेक्टली ओबे नहीं करते हैं। ठीक है ना,
इनमें स्ट्रेस बढ़ाए जाओ, स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, खींचते जाओ सालों को, खींचते जाओ, ठीक है? तो वो होते हैं हमारे इलास्टोमर्स, ठीक है? तो चलो यह वाली बात समझ में आ गई। यहाँ पर डी और ई पॉइंट दिख रहा है आपको, एक मैक्सिमम स्ट्रेस लगा दिया, फिर ई फ्रैक्चर पॉइंट थोड़ी दूर से आ रहा है उसका, तो डी और ई की भी एक कहानी है, ठीक है? तो इफ डी एंड ई आर फार अपार्ट, बहुत दूर हुए, ठीक है, तो इस तरीके के मटेरियल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, ठीक है, इनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? डक्टाइल मतलब जो खींचते हो, इलास्टिसिटी इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है? और इफ डी एंड ई, ठीक है, ग्राफ के रेस्पेक्ट में बेटा वो प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, ऑनलाइन ही प्रोसेस रहेगा, वैसे भी अभी 20 को है आपका तो अभी है नहीं, ठीक है ना? तो इफ डी एंड ई आर क्लोजर, ठीक है, तब क्या होता है? मटेरियल ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? वो टूट जाता है, ठीक है ना? जरा सा भी आप खींचोगे, जैसे कोयला देखा आपने, कोयला, ठीक है, कोयले को जरा सा भी यू यू करते हो जिसमें वो चूरा चूरा भी हो जाता है, जो कमजोर कोयला होता है या फिर कोल जिसको बोलते हैं, तो इनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? एक क्वेश्चन करेंगे भाई, क्लास लेफ्ट मत करो, इलास्टिसिटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है, क्लियर है? ओके चलो करते हैं क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टू मटेरियल इज शोन इन फिगर, ठीक है, स्केल बोथ बोथ ग्राफ के लिए सेम है, ठीक है, देन वी नीड टू चूज करेक्ट ऑप्शन। अल्टीमेट टेंशन, टेंशन नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ही है, ठीक है ना? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, और ये आपको बाजे की आवाज आ रही है क्या हमारे यहाँ से? बैंड की आवाज आ रही हो, बज रहा है बाहर, शादी हो रही है किसी की शायद, ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। बताइए क्या आंसर होगा इसका बच्चों, यहाँ पर डी पॉइंट, यहाँ पर ई पॉइंट, यहाँ पर डी पॉइंट, यहाँ पर ई पॉइंट। इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन से बात करोगे, ठीक है, ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल या मोर इलास्टिसिटी लेस इलास्टिसिटी से बात करोगे, यस, ठीक है, प्रीति का बी आ रहा है, तस्लीम का भी बी, सॉरी प्रीति का सी, तस्लीम का बी, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है बच्चों, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, सोहेल का सी, ठीक है, और कोई जल्दी से बोलिए, एनीवन, कोई भी बोलिए, कोई भी बोलिए, नहीं बोलेंगे तो चलो मैं बताता हूं। देखो, मटेरियल सेकेंड इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल वन, झूठ बोल रहा है बोला नहीं बोल रहा, ठीक है, मटेरियल सेकेंड इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल वन, ठीक है, हो सकता है, एंड हेंस मटेरियल सेकेंड इज मोर ब्रिटल। बताओ, ये वाली बात झूठ बोल दी इसने भाई, जो ज्यादा इलास्टिक होगा वो ब्रिटल कैसे होगा, है ना, है क्या? नहीं, मोर ब्रिटल बोल दिया इसने भाई, जिसमें ज्यादा इलास्टिसिटी होगी वो ब्रिटल कैसे होगा, तो ये गलत बोल रहा है, झूठा, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, मटेरियल वन एंड सेकेंड हैव द सेम इलास्टिसिटी एंड द सेम ब्रिटलनेस, तो ये भी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि डी और ई इसमें थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस है, डी एंड ई इसमें भी थोड़ी सी कम है, ठीक है ना? तो ये वाला भाई सब ज्यादा ब्रिटल होने वाले हैं, बी वाले, ठीक है, और ये कम ब्रिटल होने वाले हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। द मटेरियल सेकेंड इज इलास्टिक ओवर द लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन एज कंपेयर टू वन, देखो ये वाली लाइन दिख रही है, तो ये है इलास्टिक रीजन, और इसका इलास्टिक रीजन देखो बिल्कुल ही ज्यादा स्ट्रेट ही जाया जा रहा है, तो इसका इलास्टिक रीजन देखो ये बहुत ज्यादा इलास्टिक है कि नहीं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मटेरियल सेकंड इज इलास्टिक ओवर द लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन इज कंपेयर टू वन, दिख रहा है हमें, सही बात है, ठीक है, और मटेरियल सेकंड इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल वन, क्या ये बात सही है क्या?
बताओ, डी और ई में कम डिस्टेंस तो ब्रिटल ज्यादा, डी और ई में ज्यादा डिस्टेंस तो डक्टाइल ज्यादा, तो ये भाई साहब ब्रिटल है। ठीक है, और ये डक्टाइल ज्यादा है, क्लियर है? तो सी एंड डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होंगे, यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए क्लास को यही एंड करते हैं, फिर आगे से हम अब क्लास का लेवल और बढ़ाएंगे, ताकि मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की जरूरत है। ठीक है, तो आगे से और बढ़िया एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। और आपके साथ वाले बच्चे कम क्यों आ रहे हैं क्लास के अंदर, मुझे बताओ क्या रीजन है भाई? समझ में नहीं आ रहा हो तो वो अलग बात है, कहीं बिजी हो, टाइमिंग सूट नहीं कर रहा हो, बताइए। प्रीति, तस्लीम, सलमा, सुहेल, एनीवन, कोई भी बताओ, कोई भी इशू हो बताइए मुझे। माइक ठीक है, कोचिंग का इशू होगा आई थिंक, और भी कोई वजह हो तो बता सकते हैं मुझे। मेरे अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, किसी को कुछ भी पता हो इस बारे में, क्या बात कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है।